हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आरसी एजुकेशन हब बालसुर। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर टू। ओके, चैप्टर नंबर वन हमारा कंप्लीट हो चुका है। आपको क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ मिल गई होगी। आई होप आपने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा। चैप्टर नंबर टू है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ओके, चैप्टर नंबर वन में हमने क्या पढ़ा था, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि वेरियस मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, और साथ में हमने डिस्कस किया था डिटेल से कि प्लांट अपना फूड कैसे बनाते हैं। और उसमें हमने देखा था कि प्लांट अपना फूड एक प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। तो देखिए, आज चैप्टर नंबर टू में न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में हम बात करेंगे, सॉरी न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में हम बात करेंगे कि जो ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग या अदर एनिमल्स कैसे अपना फूड इनटेक करते हैं। देखिए, फर्स्ट चैप्टर से अभी तक तो आपको समझ में आ गया कि कोई भी फूड आइटम, कोई भी मटेरियल जिससे हमें एनर्जी इनटेक होती है, एनर्जी मिलती है, दैट इज नोन एज न्यूट्रिएंट्स। ओके, और न्यूट्रिशन क्या होता है, द मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड। ठीक है, न्यूट्रिशन की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, द मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड इन टू द बॉडी एंड इट्स यूटिलाइजेशन। ओके, न्यूट्रिशन की डेफिनेशन मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, द मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड इन टू द बॉडी एंड इट्स यूटिलाइजेशन। ओके, दैट इज नोन एज न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, तो सबसे पहले बात होगी फूड कि हम फूड इनटेक करते हैं। सबको पता है फूड के बिना एनर्जी नहीं होती, एनर्जी के बिना हम काम नहीं कर सकते। यानी हमारे जो डेली लाइफ की एक्टिविटीज हैं, जो रेगुलर एक्टिविटीज हम करते हैं, चाहे वो होमवर्क करना हो, चाहे पढ़ाई करना हो, चाहे इधर उधर टहलना हो, कोई भी एक्टिविटी हो, उसके लिए हमें फूड की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि फूड से हमें क्या मिलती है, एनर्जी। फूड से हमें क्या मिलती है, एनर्जी। लेकिन क्या आपको पता है कि जैसे ही हम फूड खाते हैं हमें एनर्जी उसी टाइम नहीं मिलती है। फूड से एनर्जी हमें जब मिलती है जब फूड का पूरी तरह से डाइजेशन हो जाता है। इज दैट क्लियर? यानी जब हम फूड इनटेक करते हैं और फूड हमारी बॉडी में जाता है, जब हमारी बॉडी में फूड जाता है तो उसका डाइजेशन होता है। डाइजेशन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्प से। ओके, तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे आखिर डाइजेशन होता क्या है। क्लियर? तो देखिए, डाइजेशन होता क्या है, द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल, या फूड कंपोनेंट्स भी आप कह सकते हो, इनटू सिंपलर वन। ठीक है, यानी जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल उसको हम सिंपल कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास ये एक फूड कंपोनेंट है, आपने इसको इंटेक किया, अभी हमारी बॉडी में जाएगा तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा छोटे छोटे कॉम्पोनेंट्स। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन। ठीक है, अब जैसे अब बताती हूँ मैं आपको कि जैसे आपने खाया कार्बोहाइड्रेट, इज इट क्लियर? आपने क्या ईटिंग किया, एक फूड कंपोनेंट ईटिंग किया जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। ओके, तो आप जब कार्बोहाइड्रेट ईटिंग करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट किस में ब्रेक डाउन होगा, कार्बोहाइड्रेट इट ब्रेक डाउन टू गिव ग्लूकोज, बहुत सारे ग्लूकोज प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, यानी एक कार्बोहाइड्रेट एक पॉलीमर है और ये बहुत सारे ग्लूकोज से मिलकर बना हुआ है। जब कार्बोहाइड्रेट आप इनटेक करोगे, ठीक है, तो वो आपके डाइजेशन की हेल्प से वो किसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा, ग्लूकोज में। और ये ग्लूकोज आपको क्या देगा, एनर्जी। ग्लूकोज आपको क्या देगा, एनर्जी। इन द सेम वे अदर कॉम्पोनेंट दैट इज प्रोटीन, यू नो वेरी वेल द सेकेंड वन, प्रोटीन इज सेकेंड कॉम्पोनेंट। प्रोटीन किसमें ब्रेक डाउन होता है, तो प्रोटीन डाइजेशन के बाद इट शुड बी ब्रेक डाउन इनटू एमिनो एसिड्स। किसमें ब्रेक डाउन होगा, एमिनो एसिड्स में। इज दैट क्लियर? अब ये हमें एनर्जी देंगे, प्रोटीन एनर्जी नहीं देगा, एमिनो एसिड्स एनर्जी देंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें फैट की, तो फैट ब्रेक डाउन हो जाता है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। ठीक है, तो ये कंपोनेंट हमें क्या देंगे, एनर्जी देंगे। ओके, यानी यहाँ पे आपको डाइजेशन का मतलब समझ में आ गया होगा। द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू सिंपलर वन इज नोन एज डाइजेशन। और डाइजेशन में जब फॉर एग्जांपल आपने कार्बोहाइड्रेट खाया तो आपको ग्लूकोज मिलेगा और ग्लूकोज से एनर्जी मिलेगी, यानी कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होगा और वो क्या प्रोड्यूस करेगा, ग्लूकोज। प्रोटीन ब्रेक डाउन होगा, क्या प्रोड्यूस करेगा, अमीनो एसिड्स।
एंड फैट ब्रेक डाउन होकर क्या प्रोड्यूस करेंगे, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ओके, और इन्हीं से हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। अब बात आती है कि चलिए आपने फूड भी इंटेक कर लिया, फूड इंटेक करने के बाद आप इसका यूटिलाइजेशन कब करेंगे जब आपको एनर्जी मिलेगी। तो एनर्जी के लिए आपको क्या चाहिए, फूड का डाइजेशन। ठीक है, आपको ये भी पता लग गया डाइजेशन क्या होता है। अब बात आती है कि डाइजेशन होता है, तो देखिए अलग अलग ऑर्गेनिज्म में जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है वो अलग अलग पार्ट्स में होता है। ठीक है, यानी अलग अलग ऑर्गेनिज्म में जो डाइजेशन है वो डिफरेंट तरीके से होता है, बट हमें जो बात करनी है मेनली दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन बींग्स। इसके बारे में बात करेंगे, ह्यूमन बींग्स के बारे में। तो ये जो डाइजेशन का प्रोसेस है, ओके, फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज ए ह्यूमन बींग, इसने फूड इंटेक किया और उस फूड का डाइजेशन कहा होगा, तो इसकी बॉडी के अंदर एक सिस्टम होता है, दैट सिस्टम इज नोन एज डाइजेस्टिव सिस्टम। आपको पता है हमारी बॉडी में अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग सिस्टम्स बने हुए हैं। आपको सांस लेना है, रेस्पायर करना है, तो देर इज अ रेस्पिरेटरी सिस्टम। आपको डाइजेशन करना है फूड का, देर इज डाइजेस्टिव सिस्टम। ब्लड को सर्कुलेट करना है, सो देर इज ए सर्कुलेटरी सिस्टम। तो फूड का जो डाइजेशन होगा वो कहाँ होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर होगा। यानी हमारी बॉडी में एक सिस्टम है, ओके, जिसको हम बाद में ड्रॉ करेंगे, जिसमें बहुत से पार्ट्स हैं, ओके, और उन पार्ट्स की हेल्प से क्या होगा, फूड का डाइजेशन होगा। अंडरस्टैंड बेटा, तो डाइजेशन कहाँ होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम के वेरियस पार्ट्स होते हैं जिसको हम आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी इस वीडियो में आपको क्या क्या समझना है, दैट व्हाट आर न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या है, जो हम फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं, द मोड ऑफ इंटेक ऑफ फूड इनटू द बॉडी एंड इट्स यूटिलाइजेशन। ओके, फूड क्यों इंटेक करते हैं हम, फॉर एनर्जी, व्हाई एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर डूइंग अवर रेगुलर एक्टिविटीज। देन फूड से जो एनर्जी रिलीज होती है वो कब रिलीज होगी, व्हेन डाइजेशन ऑफ द फूड टेक्स प्लेस। फूड का डाइजेशन कब होगा, व्हेन इट शुड बी ब्रेक डाउन इनटू द सिंपलर कंपोनेंट्स। ओके, सिंपलर कंपोनेंट में हमने बात किया, कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होगा, किसमें, ग्लूकोज में, फैट डिसोसिएट होगी फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। ये डाइजेशन वाला प्रोसेस कहाँ होगा, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। ओके, हैव ए गुड डे।